दोस्तों, दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका को चुनौती मिल रही है और ये चुनौती मिल रही है उसे चीन और रशिया से। इनका मकसद है अमेरिकी करेंसी डॉलर की बादशाहत को कम करना। इनका मानना है कि कारोबार सिर्फ डॉलर में ही क्यों हो, जब हर देश की अपनी करेंसी है तो उसी में क्यों ना कारोबार किया जाए। इसके लिए चीन और रशिया ब्रिक्स का सहारा ले रहे हैं। ब्रिक्स यानी वो संगठन जिसमें ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका है। इनके अलावा 6 और नए देश सऊदी अरब, यूएई, ईरान, इथोपिया, अर्जेंटीना और मिस्र ब्रिक्स के सदस्य बन गए हैं। यानी अब ब्रिक्स में कुल 11 सदस्य हो गए हैं। भविष्य में संख्या और बढ़ने की उम्मीद है क्योंकि 40 से ज़्यादा देश इस संगठन में शामिल होने का इंतजार कर रहे हैं। हाल ही में साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में जो 15वीं ब्रिक्स समिट हुई है उसमें भी अपनी करेंसी में कारोबार करने पर चर्चा हुई। हालांकि अभी इसका कोई नतीजा नहीं निकला है, लेकिन ब्रिक्स के कुछ देश डॉलर की बजाय दूसरी करेंसी में कारोबार करने की इच्छा जता चुके हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की इन्फॉर्मेशन, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताइए। मिलते हैं जल्दी एक और वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।